हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों एमका के लिए बनाए जाने वाले 110 टू 120 किलो न्यूटन इंजन के कोलैबोरेशन में देरी हो रही है और भारत इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR के अलावा अपने उस कोलैबोरेशन पार्टनर से और क्या चाहती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत अपने फ्यूचर के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए 110 टू 120 किलो न्यूटन के इंजन चाहती है और इसके लिए अब तक टोटल 3 वेंडर सामने आए हैं, USA की जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE, फ्रांस की साफरान और UK की रॉल्स रॉयस। और इन तीनों वेंडर द्वारा अपने अपने प्रपोजल भारत को सौंपे गए हैं कि वो जॉइंट वेंचर में भारत को क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, जिनमें रॉल्स रॉयस सबसे आगे है, फिर GE और फिर तीसरे नंबर पे साफरान है। ये नंबरिंग अब तक इन कंपनियों के द्वारा की गई ऑफर के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर ये डील इतनी इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत अपने इस इंजन के बेसिस पर फ्यूचर में और भी बाकी की कैटेगरी के इंजन को बनाना चाहेगा और इसके लिए भारत IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो चाहता ही है, लेकिन साथ में भारत ये चाहता है कि जो भी कंपनी ये कोलैबोरेशन करेगी वो भारत को भारत में इंजन के हाई अल्टीट्यूड टेस्ट इंजन फैसिलिटी को भी बनाने में मदद करे। और ये वो चीज़ है जिसको लेकर भारत को बार बार कभी रशिया तो कभी फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब हमें कावेरी इंजन की हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग करनी थी तो हमें इसके लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा था और वहां चल रहे वॉर की वजह से हमें लगभग कई मंथ तक वेट करना पड़ा था, जिसके बाद ही ये टेस्टिंग हो पाई थी। और अगेन जब कावेरी इंजन की 8 मॉड्यूल के जो 6 इंजन गोदरेज एरोस्पेस द्वारा अभी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, तो जब ये नेक्स्ट ईयर इसकी डिलीवरी करेंगे तो उस वक्त हमें फिर से टेस्टिंग के लिए एक बार रशिया जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है। और इतना ही नहीं, इस वक्त भारत के पास फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट भी नहीं है और इसके लिए भी किसी 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना जरूरी है और इन सब के लिए भारत को फॉरेन OEM पर हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार अब ये चाहती है कि ये तीनों वर्क एक साथ हो जाए, जिसमें एक कि इंजन इंडिजीनियस हो जाए और 110 टू 120 किलो न्यूटन का एक पावरफुल इंजन भारत के पास रहे, जिसका IP राइट्स भी भारत के पास हो, क्योंकि भारत सिर्फ एमका के लिए इंजन नहीं चाहता है बल्कि भारत इसके बेसिस पे और भी डिफरेंट कैटेगरी का इंजन बनाना चाहेगा। साथ में इससे मिले टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की मदद से कावेरी इंजन को भी रिवाइव कर लिया जाएगा। दूसरा, जब ये इंजन रेडी हो जाए तो इसकी सारी टेस्टिंग फैसिलिटी भारत में ही मौजूद हो। और तीसरा कि भारत के पास एक मॉडिफाइड फ्लाइंग टेस्ट बेड हो, जिसकी मदद से इंजन की क्षमता को भी सर्टिफाई किया जा सके। और इन तीनों चीज़ों को एक साथ अचीव करना ये एक बेहतर अप्रोच है, क्योंकि जब रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो इसके पूरे फायदे भारत को मिलने चाहिए, जिससे भारत को बार बार एक्सटर्नल सपोर्ट ना लेना पड़े। वहीं जब भारत कावेरी को रिवाइव करे, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इंजन अपने कैटेगरी के बाकी के इंजन यानी कि 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन से लगभग 200 kg एक्स्ट्रा वेट के साथ आता है, वहीं इसका कोर इस वक्त सफिशियंट आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, जिसके कारण कावेरी इस वक्त लगभग 10-12 किलो न्यूटन की आफ्टर बर्नर थ्रस्ट के साथ लैग करती है। लेकिन भारत एक बार अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर ले, फिर उससे मिले टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की मदद से ऑटोमेटिक ये इंजन रिवाइव हो जाएगी और उसके बाद भारत के पास किसी भी टाइप के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाने के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म इंजन होगा और हम अपने प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत फाइटर जेट के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैंड UAV और कॉमर्शियल जेट भी बनाएगी और इसके लिए स्वदेशी इंजन का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें किसी अपने फॉरेन OEM के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े और कोई थर्ड कंट्री हमारे डिफेंस को मैन्युपुलेट ना कर सके। तो जैसा कि प्लान है कि 2047 तक भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर होगा और इसीलिए इन सब चीज़ों में से इंजन का इंडिजीनियस होना सबसे क्रिटिकल चीज़ों में से एक होगी। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।